नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनपुरी न्यूज। मैनपुर के कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष संकोच कौर के नेतृत्व में करीब एक दर्जन कांग्रेसियों ने अलीगढ़ में हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा महात्मा गांधी जी के शहीदी दिवस पर उनके चित्र पर गोली चलाए जाने के कृत्य को जघन्य बताया एवं हिंदूवादी नेताओं पर रासुका लगाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष संकोच गौड़ के नेतृत्व में करीब एक दर्जन से अधिक कांग्रेसियों ने अलीगढ़ में हिंदू महासभा के नेताओं द्वारा महात्मा गांधी के शहीदी दिवस पर उनके चित्र पर गोली चलवाए जाने के कृत्य को जघन्य बताते हुए हिंदूवादी नेताओं पर रासुका लगाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष संकोच गौड़ ने कहा, हिंदू महासभा के नेताओं ने गांधी जी की शहीदी दिवस पर उनके चित्र पर गोली चलाकर गांधी जी को एक हत्यारे नाथूराम गोडसे के चित्र पर फूलमालाएँ चढ़ाकर गोडसे के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे हिंदूवादी नेताओं पर रासुका लगानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। जी, आपने ज्ञापन दिया है प्रशासन अधिकारी को, क्या है पूरा मामला? 30 जनवरी को गांधी जी के शहीदी दिवस पर अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेताओं ने उनकी चित्र पर गोली चलाकर उन्हें हत्या करने की कोशिश की और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को माल्यार्पण कर उसकी मिठाइयां बांटी और उसके जिंदाबाद के नारे लगाए। यह घोर निंदनीय है और राजद्रोह के हित में आता है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ रासुका लगनी चाहिए। क्या उच्च अधिकारियों का कहना है इस संबंध में? उच्च अधिकारियों के संबंध में क्या कहना है? उच्च अधिकारियों का तो मतलब भाजपा से मिले सब, एक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और इसका दूसरा प्रमाण आपको कल हमारे जिला कांग्रेस कार्यालय आगरा में असामाजिक तत्वों ने, हिंदूवादी संगठनों ने कार्यालय चढ़कर झंडे फाड़े और पोस्टर फाड़े और जिला अध्यक्ष राहुल गांधी जी के चित्र पर काली स्याही डाली, तो घोर निंदनीय है। अब जब देश में कांग्रेस की लहर आने लगी, लोग कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगे, तो इन लोगों की ये ऊंची हरकतों पर ही आ गए और स्टाफ के काम करके ये देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं।